नमस्ते, पहचान लिया हमको? सर आपकी टिकट दिखाइए। आप प्लेन का टीटी है? नहीं सर, मैं एयर होस्टेस हूँ। जी हम यहाँ आपकी सेवा के लिए हैं। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? एक मिनट, ये लीजिए तेल। तेल? हमारे सर पे लगा दिए, ससुरा बहुत दर्द कर रहा है सुबह। सॉरी सर, मैं ये काम नहीं कर सकती, कोई और मदद हो तो बताइए। जुए निकाल लेंगी। अच्छा सुनिए, आपका प्लेन में ट्रेन की तरह बर्थ तो नहीं है? कैसे सोएंगे? हमको लेट के सोने का आदत है। सॉरी सर, यहाँ पर ये फैसिलिटीज नहीं है। चिंता मत करो, हम अपना अखबार साथ में लाया हूँ, बिछा कर लेट जाऊंगा। सर आप यहाँ गंदी बातें कर रहे हैं। कहा कब गया गंदी बात? हम अकेले लेटूंगा, आपको थोड़ी बोर्ड साथ में लेट में। प्लीज जाकर अपनी सीट पर बैठ जाइए। अच्छा सुनिए, जो बड़ा आगे वाला सीट है वहाँ बैठ जाए। जी नहीं सर, आप वहाँ नहीं बैठ सकते, वो बिजनेस क्लास है। वो क्या काम मत बोल? बिजनेस क्लास मतलब आपकी टिकट 5,000 की है ना, वहाँ की 18,000 की है। वो हमसे पहले मुंबई पहुँच जाएगा। वो जो चश्मा पहन के गोरी लड़की बैठा, कौन है? देखा लगता है पहले। जी हाँ, आपने उन्हें फिल्मों में देखा होगा, वो है करीना कपूर। उससे पूछ कर आओ, नाचना कब शुरू करेगा? जी हमारा रोज 8 बजे टीवी पर चित्रहार में नाचता है वो। आप पागल तो नहीं हो गए ना? वो यहाँ नहीं नाच सकती। क्यों नहीं नाच सकती? इतना छोटा टीवी में नाच सकता, प्लेन में क्या प्रॉब्लम? सर आप प्लीज जाकर बैठ जाइए और जाकर वो जो है सीट बेल्ट वो पहन लीजिए। बेल्ट? जी हाँ। वो तो हम बांधते नहीं, हम पजामा पहनते, नाला बांध ले बस के। अगर आप जाकर नहीं बैठे ना तो मैं पायलट को बुलाऊंगी। वो कौन है? पायलट जो जहाज उड़ाता है। हमारा भाई भी पायलट है, वो भी ससुरा दिन भर कागज के जहाज उड़ाता है। अगर आप चुप नहीं बैठे ना तो मैं। ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं, अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। नहीं सर, आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम मुंबई पहुंच चुके हैं। पैसा कैसे पहुंच गए? सीट पर बैठे नहीं, पैसा वापस करो हमारा। आप नहीं बैठे पर जहाज तो यार जहाज टूट रहा था। वैसे आपकी बातों में सफर का पता नहीं चला। सुनिए, अम्मा को फोन लगा ले, पहले बता दे मुंबई पहुंच। हेलो ये बाबू, हेलो बोला तो हाँ ही के बोला था प्रेम बोल माई खाना हो मगर वो माई खाना हो। हेलो ये माई मैं सुनने चले थे तू आत्मा कौन थी ना तुमको ये माई ना सुना था। हेलो क्या बोला था? हम प्रेम बोल थी रे। कहा थी ना कि तो कहा ना हो। हेलो मंगल बोल बाबा। अरे हम प्रेम बोल थी रे, पगली बाबा। हम प्रेम बोल थी, कहा तोड़ना हो रे? बस तोड़ना हो कहा पर बता ये माई। अरे हम पर बोल थे रे, ये बाबू। हेलो अरे हम पर बोल थे हो तो लोग अपना था। अरे हाँ क्या बात है? कौन थी माई का ना? माई का कहाँ ना? माई का कमर ही आवा। अच्छा ठीक है। वैसे बताइए आप क्या क्या कर सकते हैं? हम 40 सवाल निकाल लेते हैं। सुपर्ब, निकालिए निकाले। अरे मार के कपड़े उठा कर भागे बड़ा भी निकले पड़े। सुपर्ब, ये किसकी आवाज थी? हमारे गांव का सरपंच का आवाज है। आई थिंक आप आवाज छोड़िए, आपको एक्टिंग आती है? हम रानी गांव में बहुत एक्टिंग किया, बहुत रोल किया। सुपर्ब, करके दिखाइए। करके दिखाए। एक्टिंग तो बता रहे हैं हम, रामलीला में कुंभकर्ण का रोल करते थे। देखिए इस तरह करने से कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ और करके दिखाइए।
एक बार वो रावण को लूज मोशन हो गया था उसकी जगह हमने रोल किया था, वो बता दें। तो रावण का दरबार लगा रहे उसको देख के रावण बोले अरे चांदनी तो अरे चांदनी होकर छुट्टन बढ़िया दो नहाने का साबुन दो रुपया दे रहे हैं, इनाम भी मिला था। सुनो आपको गाना आता है? हूबहू गा लेता है सबका आवाज में। मुझे सोनू निगम के बॉर्डर फिल्म का गाना सुनाओ। ये बी साइड का तीसरा गाना लगा दीजिए। ये लगाएंगे मुंह हिलाएगा सेम लगेगा यही गा रहा है। हाँ, सुपर। इसका मतलब आपको गाना नहीं आता, आपको मिमिक्री नहीं आती, आपको एक्टिंग नहीं आती। हाँ। तो आपको क्या आता है? हमको डांस भी आता है। करके दिखा दीजिए। उसके लिए आपको हमको शादी में ले जाना पड़ेगा, हम बैंड बाजा पे नाचता है। वैसे आपका शादी हो गया? ये भी जी नहीं, हमारा भी नहीं हुआ। देखो आप भी एक्टिंग करता है, हम भी एक्टिंग करता है, दोनों शादी कर लेते सेम जोड़ी लगेगा, दिलीप कुमार हेमा मालिनी। आप यहाँ से जाने का क्या लेंगे? फटके। तू अभी इतने फटके।